ही गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमोन अनबाउंड के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने आईसीकल क्यू को पार कर लिया था एंड हम लोग रूट 2 पे आ चुके थे। लेकिन अभी आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में फिर से मैं बेलिन टाउन रिटर्न आ चुका हूँ, क्योंकि गाइस आप लोगों ने मुझे बता दिया था कि यहाँ पे मेरे से एक मिशन रह चुका है जो कि मुझे आज के एपिसोड में कंप्लीट करना है। एंड एट द सेम टाइम गाइस, आप लोगों को मैं बताने के लिए काफ़ी खुश हो जाऊँगा, बट मैंने मेरे टीम में 2 न्यू मेम्बर्स को ऐड कर दिया। जैसे कि आप लोग लेआउट में देख ही सकते होंगे गाइस, मैंने मेरे टीम में ऐड कर लिया है माइड गाय को, जो कि एक रियोलू था जो कि आप लोग चाहते थे कि मैं पकड़ूँ उसे। एंड एट द सेम टाइम हम लोगों ने एक नई फीमेल मेंबर अपने टीम में ऐड कर दी है, जिसका नाम है कोनान, जो कि एक गोल बैट है, जो कि मेरे को जू बैट थी तब मैंने उसको पकड़ा था। देन उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की एंड फिर वो गोल बैट में इवॉल्व हो गई एंड उसका नाम मैंने कोनान दिया। एंड रियोलू तो आपको पता ही है, जो कि मेरे को रूट 2 पे मिला था एंड उसको मैंने माइड गाय नाम दे दिया। एंड एट द सेम टाइम गाइज, हमारा काकाशी लेवल अप हो चुका है, एंड मतलब लेवल अप नहीं बोल सकते, इवॉल्व हो चुका है, जो कि आई गेस ये कौन सा पोकेमोन है, मैं भूल ही गया, गिबाइट नाम है आई गेस इसका नाम, ओके बट गाइज ये काकाशी नाम है, हम लोग इसको काकाशी बोलेंगे। तो हमारा काकाशी गिबाइट में इवॉल्व हो चुका है एंड किमीमारू भी, मतलब किमीमारू तो अपने जैसा है वैसे ही है। एंड गाइज मैंने आपको बता देता हूँ, मैंने एक्चुअली एक ट्रिक मैंने की जो कि एक्चुअली में वर्क होती है, मुझे बस एक बात बतानी थी, मतलब ये बात मुझे बताने में काफ़ी खुशी होती है। बट गाइज मैंने मेरे इन पोकेमॉन्स को मेरे रेडिकल रेड में भेजा था, आई मीन माय बॉय का यूज़ करके अगर आप लोग इस गेम को खेलोगे तो लिटरली आप लोग 2 गेम को लिंक कर सकते हो। एंड मैंने इन चारों पोकेमॉन्स को मेरे लिटरली रेडिकल रेड में भेजा था। देन वहाँ पर जाके मैंने इनको थोड़े से मूव सिखाए, जैसे कि आपको मैं बता सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए स्लज बॉम मैंने इसको सिखाया TM के थ्रू, जो कि मेरे पास रेडिकल रेड में था। देन इसको ड्रैगन क्लॉ सिखाया TM के थ्रू, जो कि रेडिकल रेड में था। इसको मैंने कोई कुछ नहीं सिखाया इसको मैंने। एंड हाँ गाइस, इसने ये एवलांच करके एक न्यू मतलब फिजिकल टाइप आइस टाइप मूव सीखी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। एंड हाँ, ये भी काफ़ी, ये तो सारी मूव इसने खुद से सीखी है। तो इन शॉर्ट मैं यही बताना चाहता हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैंने की, मैंने गाइज इनको जो आइटम होल्ड करने के लिए दिया ना, वो मेरे पास आई गेस आपको पता रहेगा, मेरे पास रेडिकल रेड में बहुत सारे लकी एग थे एंड आई गेस लेफ्ट ओवर्स भी थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इन पोकेमोन को वो होल्ड करा दिया, आई मीन जब मैंने मेरे ये अपने अनबाउंड से रेडिकल रेड में पोकेमोन्स को भेजा, तब मैंने जब मैं रेडिकल रेड में मतलब रेडिकल रेड में जब ये पोकेमोन्स थे तब मैंने उनको होल्ड करने के लिए दिया। एंड जब मैंने फिर से इनको ट्रेड बैक किया तो मेरे पास वो आइटम आ चुके थे, मैंने इसको लकी एग होल्ड करने के लिए दिया है। देन अपने काकाशी को लेफ्ट ओवर्स दिया है, किमीमारू के पास लेफ्ट ओवर्स है एंड माइड गाय के पास लकी एग है। तो मेरे पास 2 लकी एग है एंड 2 लेफ्ट ओवर्स है। तो आई होप गाइज आप लोगों को पता चल गया रहेगा। तो गाइज सबसे पहले अभी काम कर लेते हैं, यहाँ पर जो टास्क था वो पूरा कर लेंगे। आप लोगों ने मुझे बता दिया कि राइट साइड वाले घर में टास्क होगा, जो कि आई गेस मोस्ट प्रोबेबली यही है, बट आई गेस मैं इस घर में पहले आया था। बट या लेट्स सी, I just don't know what to do. Every few days, this horrible Pokemon has been coming into my house and stealing my food. I could stop it if I had a Pokemon of my own. Unfortunately, I have none. Okay. Oh, I just had an idea. Would you be able to? Oh, there it is again. It's come to steal more food. Okay, so de do thoda sa. It's stealing my food. I will stop it from leaving, Daddy. I guess usne usko hurt kiya. वो डैडी, इट हर्ट मी। इट्स ऑल राइट स्वीटी, डैडी इज़ नॉट गोइंग टू लेट दैट पोकेमॉन हर्ट यू एनी मोर। इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट एंड गेट माई फूड बैक फ्रॉम दैट पोकेमॉन, आई वुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। देर माइट बी अ लिटिल समथिंग इन इट फॉर यू एज वेल। ओके गाइज, अभी हम लोगों को उस फूड थीफ वाले को पकड़ना है, जो कि ठीक है आई गेस हम लोग पकड़ सकते हैं। आई गेस वो एक अलोलन सैंडस्लैश था। ओके, कोई बात नहीं, वो यहाँ पे ही गया था आईसीकल केव में। ओह गाइज, इसने लिटरली यहाँ पे एक केव बना दी। एंड गाइज मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया नहीं, बट मैंने अच्छा ओके शायद से मेरे को उसका पीछा करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मेरे को रिपेयर मार लेना चाहिए। मैंने थोड़े से रिपेयर खरीदे थे, थोड़े से ही खरीदे, ज़्यादा नहीं खरीदे, क्योंकि मेरे पास इतना अभी पैसा नहीं है। अब ये क्या है, वुड यू लुक एट दैट। ओके चलो देखते हैं क्या है ये। हु कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट देयर वुड बी अ नेवर बिफोर सीन सेक्शन ऑफ आइसिकल केव। इफ इट हैडन बीन फॉर दैट सैंड स्लैश स्लॉपी डिगिंग
दिस प्लेस मे हैव रिमेन हिडन फॉर मच लॉन्गर बट नाउ दैट इट्स एक्सेसिबल जस्ट इमेजिन द सीक्रेट इट होल्ड्स टेक दिस टैबलेट फॉर इंस्टेंस इट मस्ट बी एट लीस्ट 1000 ईयर्स ओल्ड इफ़ नॉट मोर आई इंटेंड टू डिस्कवर ऑल ऑफ द सीक्रेट्स हेल्ड इन विथ इन ओके ठीक है कर ले तेरे को जो करना है अभी फिलहाल तो हम लोगों को उस अलोलन स्लैंड स्लैश को पकड़ना है ओके ये क्या हो रहा है इसने इसके काइंड ऑफ ये मेरे को इसके बच्चे लग रहे हैं आई गेस स्लैश ओके आई गेस मेरे को इसके साथ बैटल करनी है लेवल 12 का ही है यार लिटरली मैं कोई भी अटैक यूज़ कर सकता हूँ नहीं कोई भी अटैक यूज़ नहीं कर सकता ये मेरे सामने सुपर इफेक्टिव अटैक आई गेस है बट वेट मेरे को पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा हम लोग काकाशी को बुला लेंगे कोनान के लिए आई गेस ठीक है कोई बात नहीं कोनान इसको नहीं संभाल सकती एंड गाइज मैं आपको एक बता देता हूँ मेरे पास रेडिकल रेड में बहुत सारे बॉटल कैप्स भी थे तो मैंने उनकी मदद से इनकी हिडन एबिलिटीज़ को भी अनलॉक कर लिया है आई मीन सीरियसली गाइज ये जो ट्रेड वाला सिस्टम है ना मतलब लिटरली आप समझ सकते हो मैं रेडिकल रेड से कोई भी पोकेमॉन इस गेम में ला सकता हूँ लिटरली मैं वो ग्रीनिंजा भी ला सकता हूँ लिटरली बट आई गेस मैं ये सब नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस गेम के मज़े लेकर खेलना चाहता हूँ वो अजीब लगेगा मुझे अगर मैंने रेडिकल रेड के पोकेमॉन यहाँ पे लाए तो सो या मैं वही बताना चाहता था ओके वो अंकल भी हमारे पीछा करते करते यहाँ पे आ गए आई हैव कॉर्नर्ड यू आफ्टर दैट बैटल यू आर टू वीक टू एस्केप नाउ रिटर्न द फूड यू स्टोल ओ व्हाट्स दिस हैव यू बीन स्टीलिंग माई फूड फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट क्राई आई हैव हर्ड इट समवेयर बिफोर ओ यू मस्ट बी वन ऑफ दोज रेयर आइस टाइप सैंडस्लैस दैट लिव्स अप हियर हैव द पोकेमॉन रेंजर्स स्टॉप कमिंग टू फीड यू नाउ दैट आई मेंशन इट आई हैवंट सीन देम अराउंड इन अ व्हाइल देन आई वॉज राइट यू हैव बीन हंग्री बिकॉज योर फूड सप्लाई स्टॉप कमिंग लेट मी मेक यू अ डील देन सैंडस्लैश इफ यू बिकम माई पोकेमॉन एंड हेल्प मी मेक एन इनकम थ्रू बैटलिंग आई विल सपोर्ट यू एंड योर फ्रेंड्स and your family through the money we make. Does that work for you? हाँ I guess ठीक है deal तो काफ़ी अच्छी है That's it, settle it, let's go. Thank you for your helping track down that food thief. As promised, here's your little something. Okay guys, हम लोगों को TM56 horn claws मिल चुका है जो कि I guess attack और accuracy बढ़ाता है It's very foggy and hard to see in there. Okay, I guess वो new gym के बारे में बात कर रहा था बट ठीक है हमारा मिशन यहाँ पे कंप्लीट होता है इसी के साथ अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे एंड मतलब ठीक है हम लोग मेरे पास रिपेल मार दिया तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिपेल ख़त्म हो गया हम लोग एक और मार लेंगे एंड विदाउट विथ रिपेल तो ये केव से निकलना ज़्यादा हार्ड नहीं है सीरियसली ओके आई गेस मेरे को एक बार चेंज से पोकेमॉन हील कर लेने चाहिए ओके नाउ आई एम गुड टू गो आई गेस यहाँ पे तो मैंने सबको हरा दिया था एक और रिपेल लगेगा ओके कोई नहीं बट ट्रस्ट मी गाइस मैं वहाँ से कुछ भी खरीद सकता हूँ पोकेमॉन से मतलब अभी तो मेरे पास फ़िलहाल तो पैसा नहीं है बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा एंड गाइस आप लोगों को बता देता हूँ मैंने रूट 2 से रियोलो को पकड़ा था यानी कि हमारे माइड गाय को तो गाइज़ अभी मुझे बताना कि आपको मेरी टीम कैसे लगी एंड सॉरी गाइज़ कल वीडियो नहीं पाई मतलब कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैं ये सब कर रहा था ना ट्रेनिंग कर रहा था इनको ट्रेन करना लिटरली बहुत हार्ड था मतलब मैंने सबको अराउंड 25 लेवल का करके रखा था एंड एट द सेम टाइम मैंने वो रेडिकल रेड टू अनबाउंड टू रेडिकल रेड वो करने वाला थोड़ा सिस्टम जो था वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था तो आई होप आप लोग समझ सकते हो तो चलो अभी हम लोग जाएंगे एंड हाँ गाइज़ मैंने ऑफलाइन जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब मुझे पता चला कि अगर आप लोग इस लड़की से बात करोगे तो ये सीधा अपने कडाबरा का यूज़ करके आपको सीधा ट्रेस्को या फिर जो भी टाउन है जहाँ पे हम लोग वो अभी जा रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को टेलीपोर्ट कर सकती है बट आई गेस हम लोग बैटल करके जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ओके यू आर टेकिंग अप द चैलेंज आई होप यू हील्ड अप ओके आई एम क्योंकि अगर इनके साथ बैटल करेंगे तो आई गेस हम लोगों को अच्छा रहेगा वो जो कि अगर आगे जिम कोई भी अगर फेज भी हो रहा है ना तो मे भी हम लोगों को वो थोड़ा सा मतलब मदद ही करेगा ऑब्वियस सी बात है एक डेलीबर्ड आला है डेलीबर्ड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे काकाशी को काकाशी के पास फायर फैंग है गाइज एंड गाइज आपने मुझे बताया था कि मतलब जो आने वाला जिम है वो आई गेस फेरी टाइप है
लेट्स सी, फेरी टाइप है तो ठीक है। फेरी टाइप के लिए मेरे पास स्टील टाइप दो हमले है, मेटल क्लॉ दो, मतलब एक्चुअली दो पोकेमोन है जिनके पास मेटल क्लॉ है, एक तो हमारा माइट गए और एक तो हमारा काकाशी। यू आर डिसेंट, ओके थैंक यू ब्रो। एक मिनट, यहाँ पे एक पोकेबॉल है जिसके अंदर ही पोकेबॉल थी, ओके नाइस। मैंने इसको मिस कर दिया बट मैं इसे बैटल करूँगा। हैव यू सीन देम येल्लो पोकेबॉल्स लाइंग अराउंड, इफ़ यू बीट मी आई विल टेल यू व्हाट दे आर फॉर, ओके ठीक है। तो फिर तेरे को हराना ही पड़ेगा मुझे, ओके तेरे पास थोड़े ज़्यादा ही पोकेमोन है, बट आई गेस कोनान संभाल सकती है तुझे। नहीं, कोनान नहीं संभाल सकती को, इसके लिए मुझे आई गेस ये ड्रिलबर को हराने के लिए मैं केमीमारू को बुलाऊँगा। ओके इसके पास मैंने लेफ्ट ओवर दिया था ना, दैट्स नाइस। आइस फैन यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये तो गयो, इसका लेफ्ट ओवर बहुत इजी काम आ रहा है। जूबैट आ रहा है, जूबैट के लिए भी हम लोग इसी का यूज़ करेंगे आइस फैंग। विंग अटैक मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा गाइज। मैं इतना तो मान सकता हूँ कि किमीमारू हमारा बहुत अच्छा फिजिकल अटैकर एंड फिजिकल डिफेंडर पोकेमॉन कह सकते हैं, बट हाँ इसका स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस बहुत वीक है। बट दैट्स वाई मैंने इसकी हिडन एबिलिटी स्टडी को भी ऑन कर लिया, दैट मीन्स ये पोकेमॉन वन हिट के वो नहीं हो सकता। मतलब अगर समझ लो कि कोई फायर टाइप स्पेशल अटैक, मतलब कोई स्पेशल अटैकर फायर टाइप मूव अगर आई तो फिर ये वन हिट के वो नहीं होगा, एटलीस्ट एक हिट मार तो सकते हैं हम लोग। दैट्स नाइस ना। अरे पैरालाइज हो गया, ओके हम लोग इसके सामने एवलांच यूज़ करेंगे एंड जो कि वन शॉट किल कर दिया इसको। और इसका लेफ्ट ओवर गाइस सीरियसली लेफ्ट ओवर काफ़ी अच्छा है। नहीं मैं पोकेमॉन स्विच नहीं करूँगा। ओके एक रॉगन रोला आ रहा है, फिर भी हम लोग इसके सामने आइस फैंग यूज़ करेंगे। स्मैक डाउन, ओके ये भी सुपर इफेक्टिव मूव है मेरे सामने। होपफुली मैं बस फेंट ना हो जाऊँ, मतलब मेरा केमीमारू फेंट ना हो जाए अभी यहाँ पर, होपफुली फेंड ना हो जाए। ओके दो एच पी पे सर्वाइव कर गया बट बिकॉज ऑफ इट्स पैरालाइज। ओके कोई नहीं, मेरे को अभी पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबली माइट गाय को हम लोग मैच में लाएंगे। माइट गाय के पास भी फोर्स पाम है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इसके सामने मेटल क्लॉ यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ओके चलो इसको भी मैंने काफ़ी ईजिली हरा दिया। You done got me and real good too, okay. Them yellow pokeballs hold items called technical machines. These TMs can be used to teach your Pokemon moves as many times as you want, okay. ठीक है, मेरे पास rock smash तो अभी तक है नहीं बट यहाँ कोई बात नहीं, मैं repel use करना prefer करूँगा। और wait हम लोगों को Pokemon heal करना है ना, तो उसके लिए हम लोगों को फिर से ये वाली लड़की के पास जाना पड़ेगा क्योंकि ये लड़की आपके पोकेमॉन हील करके देती है। यू केम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, लेट मी टेक केयर ऑफ योर पोकेमॉन फॉर यू, थैंक यू सो मच। वन ऑफ द ट्रेनर्स हियर ऑन रूट टू कैन टेलीपोर्ट यू टू ड्रेस्को टाउन इफ यू आर इन हरी, इवन इफ यू डिसाइड टू टेक हिम अप ऑन हिज ऑफर इट्स नेवर बैड आइडिया टू फुल्ली हील, ओके हाँ मतलब ठीक ही बोला उसने। बट मेरे पोकेमॉन अब हील हो चुके हैं तो मैं ज़्यादातर बैटल करके जाना प्रेफर करूँगा एंड मेरे रिपेल भी आई गेस ख़त्म होने ही वाला है। वेट ये कहाँ पे आ गया मैं, आई गेस ये सही रास्ता है। एंड यहाँ पे एक डबल बैटल आने वाली है तो मेरे को किसको आगे रखना चाहिए, आई गेस चलो माइट गया एंड काकाशी, दोनों काफ़ी अच्छे एनिमे भी तो फ्रेंड थे ही, आई मीन राइवल्स थे एक दूसरे के, तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे कैसे वो उन लोगों की पार्टनरशिप होती है। वी आर टीम, वी बैटल एंड पिकनिक टुगेदर, ओके वी आर अ टीम वी कैंप एंड बैटल टूगेदर, ओके ठीक है फाइन। ओके एक ब्यूडू ये क्या नाम है, ब्यूडू एंड एक स्टफल ओके ये तो नॉर्मल टाइप लग रहा है मुझे, आई गेस नॉर्मल टाइप ही है, ओके नॉर्मल टाइप है एंड इसके लिए तो मैं फायर फैंग यूज़ करना प्रेफर करूँगा। ओके उसने एंड्योर कर लिया तो वो सर्वाइव कर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके माइट गाय 26 का हो चुका है गाइस
और कोनान भी 26 की हो चुकी है, कोनान क्विक गार्ड सीख रही है। बट गाइज क्विक गार्ड से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, द यूज़र प्रोटेक्ट्स इट सेल्फ एंड इट्स अलाइज फ्रॉम प्रायोरिटी मूव्स। आई मीन मुझे पता नहीं, अगर गाइज आपको इस मूव का मीनिंग पता है या फिर इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आपको पता है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। एंड अगर मेरे को इससे मतलब अगर आपको लगता है कि ये अच्छी मूव है तो मैं इसको फिर से सिखा दूंगा जब मैं मूव रीलर्नर से मिल जाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसको नहीं सिखा रहा हूँ। एंड प्लीज़ मेरे को इसका यूज़ बताना अच्छे से। ये एंड्योर तो कर लेगा क्योंकि मतलब उसने एंड्योर यूज़ कर लिया था। ओके एक स्वाब्लू आ गया है, स्वाब्लू के लिए हम लोग ड्रैगन टाइप है ना, तो मैं खुद एक ड्रैगन टाइप मूव यूज़ कर सकता हूँ फिलहाल तो हम लोग। हाँ आई कैन यूज़ ड्रैगन टाइप मूव, बट वेट ड्रैगन टाइप मूव काम नहीं किया। बट हाँ मेरा अटैक ज़्यादा ही था आई गेस, इसलिए ये फेंट हो गई। काकाशी भी 26 का हो चुका है गाइस, दैट्स नाइस। फोर्स फॉर्म के साथ इसी को तो हम लोगों ने ख़त्म कर ही दिया। इसका आखिरी पोकेमॉन अब देखते हैं कौन सा होने वाला है। ओके एक इलेक्ट्राइक, इलेक्ट्राइक के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फोर्स फॉर्म एंड आई गेस ड्रैगन क्लॉ। ओके काफ़ी इजीली हम लोगों ने इसको हरा दिया। एंड जैसे कि एनीमे भी इन दोनों की एनीमे में भी काफ़ी अच्छी इनकी बॉन्डिंग थी या फिर काइंड ऑफ टीम वर्क था, वैसे यहाँ पे भी है। माय पिकी पैक हैज़ कीन आई, इट्स ग्रेट फॉर सीइंग इन फॉग। ओके ठीक है, अजुरिल ये एक फेरी टाइप होता है एंड इसके सामने हम लोग मेटल ग्लो यूज़ कर सकते हैं। पिकी पेक आ रहा है, पिकी पेक के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कोनान को। एंड गाइज मैंने इसका नाम कोनान क्यों रखा, क्योंकि ये भी पर्पल टाइप है एंड कोनान के भी हेयर पर्पल होते हैं एंड कोनान के पास उड़ने वाली भी एबिलिटी होती है। आई नो वो विंग्स बनाती है उसका पेपर का यूज़ करके, बट या विंग अटैक करेंगे इसके सामने। एक बीडू आ रहा है, फिर से विंग अटैक एंड इसी के साथ इसको भी ख़त्म कर दिया हम लोगों ने गाइस। ओके इसी के साथ हमारा किमिमारो भी 26 का हो चुका है, देर आया लेकिन दुरुस्त आया टाइम पे। यू श्योर हैव कीन आई फॉर पिकिंग गुड पोकेमॉन, थैंक यू सो मच। आई मीन मेरे पोकेमॉन से ऐसे कोई भी पोकेमॉन को मैं मेरे इसमें नहीं लेता। आई गेस अभी हम लोगों को क्रिपल की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं मारूंगा। यहाँ पे मेरे को रॉक स्मैश लगेगा। यहाँ पे ये क्या लिखा है, इफ़ यू आर प्लेइंग इन द एक्सपर्ट डिफ़िकल्टी सेटिंग ओनली 4 आइटम्स टोटल मे बी यूज इन अ ट्रेनर बैटल्स, प्लेइंग इन द इंसेंट डिफ़िकल्टी सेटिंग हाउएवर प्रिवेंट्स द यूजेज ऑफ एनी आइटम इन अ ट्रेनर बैटल व्हाटसोएवर। ओके एडिशनली वाइल प्लेइंग इन द इंसेंट डिफ़िकल्टी इट सेम्स आइटम्स मे ऑल्सो नॉट बी यूज इन वाइल्ड बॉस बैटल्स, दीज आर यूजली इंडिकेटेड विद ऑरा फ्लेयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द बैटल। ओके हाउएवर आइटम्स मे ऑलवेज यूज इन डायनामिक्स रेड बैटल्स रिगार्डलेस ऑफ डिफ़िकल्टी। ओके ठीक है, फिलहाल तो मैं डिफ़िकल्ट पे ही खेल रहा हूँ, ये इनसेन और एक्सपर्ट वाला तो मेरे से जमेगा नहीं। बट या ये क्या है, ट्रेनर हाउस बैटल योर हार्ट्स कॉन्टेंट। ओके ठीक है, आई गेस यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे ट्रेनर्स होंगे बट उनके साथ मैं बैटल करना प्रेफर नहीं करूँगा। वो यहाँ पे एक मॉल्ट्रस वाली मूर्ति है, इट्स अ स्टैचू ऑफ द लेजेंडरी फायर टाइप पोकेमॉन मॉल्ट्रस। इट सेज हियर दैट मॉल्ट्रस वंस वॉज यूज एज अ हर्ल्ड ऑफ द ग्रेट डार्कनेस बट नाउ इट रिसाइड्स इन सिंडर वॉल्केनो। ओके फाइन, मेरे को यहाँ से सबसे बात करनी है। दिस स्टैचू इज ऑफ द लेजेंडरी फेरी बर्ड पोकेमॉन मॉल्ट्रस, अपेरेंटली इट लिव्स समवेयर इन सिंडर वॉल्केनो लाइटिंग अप द स्काई विद इट्स फ्लेम्स एट नाइट। ओके थैंक्स फॉर द इन्फो। हेलो Do you know what a gem is? Nay. A gem is a special type of held item that powers a single attack in battle. Each gem corresponds to a specific type and can only power up that type of move. Gems usually disappear after use, but like most consumable items, they are returned to the after important battles. Okay. Such as battles against gym leaders. Most gym leaders in Boreas have at least one of their Pokemon holding a gem, so be wary. Okay, if you are concerned about this, you can use the move Incinerate to melt their gem first before they have a chance to use it. Oh,
बट मेरे को इंसिनरेट कहाँ पे कोई सिखाने वाला बंदा तो मिले, तो फिर मैं आई गेस मेरे को मेरे टीम में, अभी मेरे पास, मैं आपको मेरी टीम बता देता हूँ। मेरे पास माइट गाय जो कि एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, ककाशी जो कि एक ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप है, कोनान एक पॉइजन एंड फ्लाइंग टाइप है, एंड किमीमारू हमारा है आइस टाइप। तो मेरे पास आई गेस एक ग्रास टाइप की कमी है, एक वाटर टाइप की कमी है, एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रिक टाइप की कमी है एंड एक फायर टाइप की कमी है। तो मुझे आप लोग बताना कि मैं नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा पकड़ूँ। एंड गाइज मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं इस गेम में ज़्यादा स्टार्टर्स नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने मतलब लिटरली ऐसे गेम्स खेले, रेडिकल रेड भी मेरे पास बहुत सारे स्टार्टर्स थे, बट मैंने यही चूज़ किया है कि इस गेम को मैं थोड़ा और डिफ़िकल्ट बनाऊंगा एंड नॉर्मल पोकेमोन के साथ, मतलब नॉर्मल पोकेमोन्स के साथ मैं मेरी टीम बनाऊंगा। स्टार्टर्स को मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगा मेरी टीम में। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई अलग अलग रीज़न के स्टार्टर्स मेरे को इसको मिल रहा है इस गेम में, तो मैं उनको अवॉइड करने की ट्राई करूँगा, जिससे कि गेम थोड़ा डिफ़िकल्ट बने। क्योंकि फिर अगर स्टार्टर्स को, मतलब स्टार्टर्स को लूँगा तो टीम उसी से भर जाएगी एंड बाकी की मतलब पोकेमोन्स को तो कोई चांस ही नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई मैंने ये डिसाइड किया है। लेट मी नो आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में। ओके अब जब यहाँ पे आ ही चुका हूँ तो एक बार पोकेमोन हील कर लेते हैं एंड अभी सीधा हम लोग जिम बैटल करने के लिए जाएंगे यहाँ पे। होपफुली जिम लीडर को मैं हरा दूंगा एंड क्योंकि अगर आज के एपिसोड में मैं जिम लीडर को हरा दिया तो मे बी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके ये रहा जिम, ये लोग कौन है? दिस इज़ द रिलेटिवली न्यू एंट्रेंस टू द KBT एक्सप्रेस वे, द ब्रिज टू इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके ठीक है चलो जिम को चैलेंज करने के लिए आ चुके हैं। गाइज यहाँ पे कितना सारा फॉग है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। वेट यहाँ पे वो बंदा खड़ा है, इससे बात कर लेते हैं। हे देयर किड, हैक ऑफ। ओके वेलकम टू द फर्स्ट जिम ऑफ चैलेंज, लेट मी स्टार्ट यू ऑफ विद अ स्मॉल गिफ्ट। इसको कितनी खांसी आ रही है, फ्रेश वाटर दिया, थैंक यू। द जिम लीडर मिर्स्कल प्रिफर्स फ्लावरी पोकेमॉन, इफ़ यू कम प्रिपेयर्ड विथ अ फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन यू शुड बी एबल टू टेक हिम आउट नो स्वेट। कितना खास रहा है ये। ऑल्सो बी अवेयर मिर्स्कल लाइक्स टू फिल इज जिम विथ फॉग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस मे हैव इफेक्ट ऑफ योर बैटलिंग, इट विल अलाउ यू टू डॉज हिट्स ईजिली बट यू विल ऑल्सो हैव अ हार्ड टाइम टू लैंडिंग दैम एज वेल। Your main strategy should be first remove the fog from the battlefield and then lay it on your opponent. Okay, you know with the move like sandstorm or defog. Good luck out there. Okay, sandstorm मेरे पास था but मैंने हटा दिया and defog तो मेरे पास है ही नहीं, but कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही challenge करके संभाल लेंगे। वो यहाँ पर बंदा था, मैंने देखा ही नहीं। It's so foggy here. My Pokemon and I can barely see. Same, मैं भी वही बोलना चाहूँगा। Literally मैंने उस ट्रेन को देखा नहीं बट ओके okay, इसके पास एक चेरूबी है। मेरे को Pokemon चेंज करना पड़ेगा। ककाशी को यूज़ कर सकता हूँ या फिर कोनान को यूज़ कर सकता हूँ इस बैटल में। ये फॉग की वजह से है ना, आई गेस हिट नहीं होगा। ओके okay, इसको मैंने लेफ्ट ओवर दिया था क्या? कोई बात नहीं। अरे यार मैजिकल लीफ एक ऐसा अटैक है जो कभी भी मिस नहीं होता, बट यहाँ पे मेरे अटैक मिस होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। ओके हरा दिया आई गेस। एक ओडिश आ रहा है। ओके फाइनली मेरे मूव्स हिट तो हो रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी बात है। Ran, this fog ruined my chances. Okay, I can say the same. Oh, यहाँ पे एक और बंदा है। Doobie doesn't know what he is talking about. My Pokemon and I can see just fine in this fog. Let us show you. Okay, ठीक है। इसका नाम है लीमियन और फिर लियाम, जो भी नाम है इसका। ओके एक बर्मी। मैंने इसको माइट गाय को क्यों सामने रखा है? इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस जिम में आई गेस। मेरी कोनान एंड मेरा ककाशी सब देख लेगा। ओके रफ़ स्किन, उसको भी डैमेज हुआ गाइस। काफ़ी अच्छी एबिलिटी है ना, मैंने जानबूझ के इसकी रफ़ स्किन एबिलिटी को काइंड ऑफ बोल सकते हैं मैंने यूज़ किया, मतलब मैंने मेरे पोकेमॉन्स को मतलब काइंड ऑफ ट्रेड किया था ना मेरे खुद के अकाउंट के साथ लिटरली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। माइट गाय 27 का हो चुका है। आई डोंट नो वो अभी कब इवॉल्व होगा। आई मीन माइट गाय एंड कोनान हैप्पीनेस से इवॉल्व होने वाले पोकेमॉन है। सो यहाँ देखते हैं।
अगर गाइज आपके पास कोई तरीका है जिससे कि मेरे ये जो दोनों मतलब माइडगैन एंड कोनान इवॉल्व हो सके, तो फिर प्लीज़ मुझे बता देना जिससे कि वो इवॉल्व होंगे। मे बी डूबी वॉज राइट। ओके आई गेस मैं पहले पोकेमॉन हील करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसके बाद ही मे बी हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आई गेस जिम लीडर जो होने वाला है पहला ही, वो थोड़ा तगड़ा हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होके रहेंगे। इवन तो मेरे पास ज़्यादा कुछ हीलिंग वाले आइटम्स नहीं है, बट या एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो सामने रखो काकाशी को, एंड अगर ये डबल बैटल होने वाली है तो कोनान को, क्योंकि वो दोनों ही पोकेमॉन ऐसे हैं टीम में जो कि काइंड ऑफ हैंडल कर सकते हैं इस फर्स्ट वाले जिम लीडर को, जिसका नाम आई गेस मुझे पता भी नहीं है क्या है, बट या फिर भी। अच्छा ये जिम लीडर है क्या? इसका नाम है मिर्स्कल। ओके हे देयर ड्यूड, हाउ इट्स गोइंग? ओके योर पोकेमॉन वाना स्निफ ऑन सम ओडिश लीव्स, दे आर रियली गुड फॉर द सोल, मेक इट नाइस एंड मेलो। नहीं मुझे कोई मतलब शौक नहीं है। नाउ आई एम गेसिंग यू केम फॉर अ बैटल, आई एम इन द परफेक्ट मूड टू इंडली, क्या लिखा है, इंडुग्लू यू। ओके इंडुग्लू यू जो भी था वो, लेट्स गेट फंकी। ओके ठीक है, ये मेरे को ये हाई बंदा लग रहा है, आई मीन आई डोंट नो ये क्या कर रहा है, बट ये मेरे को थोड़ा सा हाई लगता है। ओके द फॉग इज़ डीप, मेरे पता है मेरे मोस्ट ऑफ दी अटैक तो मिस होने वाले हैं, बट ये वेट, मैं इसके पहले ये फ्लोटी को हराना पसंद करूँगा। ओ डैम मेरा स्लज बॉम्ब हिट हो गया, मेटल ग्लो हिट नहीं हुआ। ओके बट कोई बात नहीं। स्लीप पाउडर, हाँ मुझे बताया तो था सास्के ने कि ये बंदा या जो भी है ये हमेशा स्लीप पाउडर में ही खेलता है, बट मैं फिर भी ट्राई करेगा। एंड यहाँ पे मेरे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारे कोनान का जो काइंड ऑफ कह सकते हैं स्पीड है ना, वो काफ़ी अच्छा है। वो दैट वाज इंटेंस। ओके सीरियसली इसके मेन पोकेमॉन को आई गेस मैंने हरा दिया। ओके कोनान 27 की हो चुकी है गाइज, काकाशी तो अभी भी सो रहा है। एक वी डल। ओके आई गेस अभी मेरे को फायर फैन क्या यूज़ करना चाहिए। हम दोनों का अभी टारगेट यही रहेगा कि पहले अभी इसके अपने ग्लूम को हरा दूँ इसके, ये तो चला जाएगा। ओ सरवाइव कर गया लिटरली, इसके दोनों अटैक हमने अवॉइड कर दिया। आई गेस इसी को महंगा पड़ रहा है, ये जो फॉग है ना यहाँ का, ये इसी को काइंड ऑफ थोड़ा सा डिसएडवांटेज में डाल रहा है। ओके सुपर पोशन दैट्स नाइस। एंड गाइस इतना तो कह सकता हूँ कि हमारी कोनान का एक भी अटैक मिस नहीं हो रहा है। सीरियसली सीरियसली मेरी कोनान कितनी ओपी है गाइस। अभी तो ये इसको ले ही लेगी, तो आई गेस फायर फैंग हम लोग यूज़ करेंगे वीडल के ऊपर एंड विंग अटैक ग्लूम के ऊपर। देखा एक भी अटैक मिस नहीं हुआ, एक भी अटैक मिस नहीं हुआ कोनान का। फायर फैंग भी हिट हो चुका है, इसका गेम ख़त्म। ये जिम सीरियसली बहुत ईजी था। ओके लीडर मिस्कल हार चुका है। वो मैन नाउ दैट नाउ दैट दैट बैटल वॉज समथिंग एल्स। वो मैन टेक दिस फाइन फाइन बैज एज अ प्रूफ ऑफ योर विक्ट्री। हम लोगों को लीफ बैज मिल चुका है फ्रॉम मिर्स्कल। ओके द लीफ बैज मेक्स ऑल पोकेमॉन अप टू लेवल 30 ओबे ऑल योर फाइन फाइन कमांड्स। टेक दिस कूल ग्रासी TM2। ग्रास नॉट मिला। ओके ये भी काफ़ी अच्छा मूव है, मतलब इस ये TM एक ऐसा TM है जिसके कि अगर जितना हैवी मतलब जितना ज़्यादा भारी आपका अपोनेंट होगा उतना ज़्यादा डैमेज उसको पड़ेगा। मतलब अगर आप इस मूव को कोई, और पता है ग्रासी नॉट एक ऐसा मूव है लिटरली, मतलब क्या लॉजिक लगा के मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। ग्रास टाइप किसके सामने सुपर इफेक्टिव होता है? ऑब्वियसली बात है ग्राउंड एंड ग्रास टाइप ना, एंड ऑब्वियसली बात है अगर कोई ग्रास एंड ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा डैमेज करता है। आई मीन काफ़ी अच्छी बात है ना। आई नो कि ग्रास टाइप वाटर टाइप के सामने भी सुपर इफेक्टिव होता है, ये मुझे पता है, मैं भूला नहीं हूँ। इन दैट इन इन केस यू वेर वंडरिंग दैट TM कंटेंस ग्रास नॉट। ओके आई न्यू दिस गाय वंस। ओके ही वुड ऑलवेज बी फॉलिंग ओवर सेड इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम, बट द ट्रूथ इज़ आई जस्ट केप्ट यूजिंग ग्रास नॉट ऑन हिम। इट्स अ गुड थिंग वी हैजन टू हैवी और इट वुड रियली हर्ट। ये किस बारे में बातें कर रहा है? आई डोंट नो। एवरी वन हाइड द पोपो हियर टू गेट अस अगेन।
पोपो मतलब पुलिस वाले। हे किड डिड यू सी विच वे द जिम लीडर रैन? ही इज़ वॉन्टेड फॉर सेलिंग जिंक फार बिलो द मार्केट वैल्यू। ओके आई गेस मेरे को बता देना चाहिए, क्योंकि देखो गाइज आई गेस एज अ रिस्पॉन्सिबल पोकीमॉन ट्रेनर मुझे बता देना चाहिए क्या होगा। मतलब हाँ मुझे पता है वो कहाँ गए हैं। द पॉन्ड, थैंक यू, यू हैव मेड अ बिग डिफरेंस इन द वॉर एंड ऑन क्राइम। ओके गुड वर्क। ओके इसी के साथ हमारा ये फॉग भी चला गया जिम वाला, बट या आई गेस मैंने सही किया। आई एम इम्प्रेस यू मैनेज टू बीट मिर्क्स मिर्क्स इसका नाम ही कैसा है यार, मिर्सकल। ओके मैं इसको मिर्सकल ही बोलेगा। यू मैनेज टू बीट मिर्सकल इवन विथ योर आईज फुल ऑफ फॉग। टेक दिस एज सम एक्स्ट्रा प्रूफ ऑफ योर विक्ट्री हियर। ओके ग्रास जेम मिल चुका है गाइज, दैट्स रेयर जेम स्टोन दैट कैन पावर अ ग्रासी मूव इन बैटल फॉर यू। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू आउट चैम्प इन द मेकिंग। ओके गाइज आई गेस, ओ ये कौन था, मुझे पता है वो कौन सा घर था। वेट मैं पहले पोकेमॉन हील कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके नाइस नाइस, थैंक यू नर्स जॉय। बट गाइज ये वाला आई गेस इस घर से कोई तो उड़ा। हाँ इसी घर से कोई तो उड़ा, मेरे को चेक करना पड़ेगा। फन फैक्ट, डिड यू नो दैट व्हेन यू टर्न ऑफ योर कंसोल विदाउट सेविंग अ पावरफुल बॉम्ब गोज ऑफ एंड डिस्ट्रॉय अवर एंटायर वर्ल्ड। यू नेवर नोटिस बिकॉज अ पैरेलल डायमेंशन इज क्रिएटेड व्हेन एवर यू रीलोड। ओके प्लीज कमिट नॉट टू डिस्ट्रॉइंग अवर वर्ल्ड एनी मोर, 100 times विल शो योर कमिटमेंट। थैंक यू फॉर एग्रींग नॉट टू कमिट अमेगर्डन। ओके आमागेडन अगेन, आई विल रिवॉर्ड यू वंस आई सी योर कमिटमेंट ऑफ 100 manual saves। ओके इसका भी मिशन मिला कि मैं कितने बार गेम सेव करता हूँ। ओके अब तक मैंने 16 बार गेम सेव किया है, बट आई विल ओनली बिलीव योर कमिटमेंट टू नॉन एग्रेशन इफ़ यू सेव 84 more words। ओके ठीक है, आई मीन ठीक है 84 बार ही तो मेरे को आई गेस जब तक ये मेरी जर्नी पूरी होगी तब तक ये आई गेस 84 बार तो मैं सेव कर ही लूँगा। तो गाइज आई गेस आज का एपिसोड बहुत बड़ा हो गया है, आज का एपिसोड मैं यहीं पर एंड करूँगा। लेट मी नो अगर मेरे से कुछ छूटा रहेगा या फिर कोई पोकेमोन या फिर किसी से बात करनी रह चुकी है मेरे से जो कि इंपॉर्टेंट है स्टोरी के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड आगे क्या करना है, आगे कौन से चैलेंजेस फेस होंगे या फिर कोई पोकेमोन मैं ऐड करूँ मेरी टीम में, वो भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनरा।